एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर एंड मिसेस जीजी। अब यहाँ पर मैं एक बार पहले भी ब्लॉग बना चुकी हूँ और वो था एक मेकअप का ब्लॉग। तो आज भी हम एक मेकअप ब्लॉग ही बनाएंगे एक्चुअली, क्योंकि वो वाला ब्लॉग मेरा लोगों ने बहुत पसंद किया था। बट हाँ, वो थोड़ा ना लंबा हो गया था, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे 5 मिनट्स के अंदर अपना मेकअप कर लेती हूँ। जी हाँ, 5 मिनट। वैसे मैं एक्चुअली बोलूंगी बहुत, तो 7 मिनट, 2 मिनट एक्स्ट्रा दे देना, ठीक है। 7 मिनट में पूरा मेकअप हो जाएगा, इमेजिन। तो जैसे आपको सपोज कहीं आफ्टरनून में लंच पे जाना है, या छोटी मोटी शूट करनी है, या कोई मीटिंग के लिए जाना है, आपको एकदम नॉर्मल मेकअप चाहिए होता है ना, तो उसमें थोपने की जरूरत नहीं होती ज्यादा, थोड़ा थोड़ा लगाना होता है कि सुंदर भी लग जाओ आप और ज्यादा वो पुता हुआ भी ना लगे। पर काफी लड़कियां होती है वो ना इतना, मतलब सॉरी टू से, कि डॉक्टर्स हो तुम या जो भी हो, तो तुम्हें थोड़ा प्यारा दिखना है। ये नहीं कि तुम्हें बिल्कुल लाल लिपस्टिक, मोटे मोटे काजल, ठीक है किसी का स्टाइल हो सकता है वो भी, इट्स ओके, आई एम सॉरी, बट इट शुड नॉट लुक टू मच मेड अप, नहीं लगना चाहिए। रेड लिपस्टिक भी लगाने का एक तरीका होता है कि तुम लाल लिपस्टिक लगा रहे हो तो आईज थोड़ी लाइट रख लो भाई, या अगर डार्क आईज या स्मोकी शोकी करने का तुम्हें मन है तो लिप्स थोड़े सटल रखो। पूरा ही तुम ये जेलो बन के थोड़ा निकलोगे घर से, डॉक्टर हो तो मतलब ऐसे टाइप के भी लोग हैं। बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ थोड़ा सटल मेकअप जो आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हो, क्योंकि हमेशा लड़कों को क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई लड़की अब मेकअप करना शुरू किया, 1 घंटा गया, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, और ऑल्सो इस ब्लॉग में कोई भी कॉन्ट्रोवर्सीज नहीं होंगी, मैं बहुत सोच समझ के बोलूंगी और बाकी के पार्ट्स एडिट कर दूंगी, क्योंकि मैं बहुत बकबक करती हूँ और मेरे मुंह से गलत बातें निकल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एक पुराने ब्लॉग में मैंने मुंबई को बॉम्बे बोल दिया। भाई तुम लोगों के इतने इमोशन हर्ट हो गए हैं इस बात पे कि मेरी जीके वीक है, चलो माना, ठीक है, पर अब मैं क्या, मुझे, मैं बॉम्बे बोलती हूँ, मेरे को बचपन से आदत है, मैं किसी का यहाँ इमोशन हर्ट करने नहीं आई हूँ कि मैं आज मैं बॉम्बे बोलूंगी और ये रोएंगे सारे के सारे घर पे। ऑफ कोर्स नॉट, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी के इमोशंस हर्ट करूं। और आपके इस बात पे अगर इमोशन हर्ट होते हैं ना, तो हेलो, तो आप काउंसलर के पास जाइए, आप बहुत इमोशनल हैं। बट मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, और मेरी जीके वैसे वीक है बहुत, तो मुझे नहीं पता था कि 1995 में लेजिस्लेशन ने बोला था कि बॉम्बे नहीं बोलना, सिर्फ मुंबई बोलना है। ठीक है, आई नो इट्स मुंबई कर्स, इट्स मुंबई एंड इट्स एन इमोशन, बट आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट योर इमोशंस, बट यू आर टू इमोशनल। और हाँ, और एक और बात पे कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, मेकअप शुरू करने से पहले ही बोल देती हूँ, मैंने बोला था कैट्स आर नेगेटिव। I am actually very sorry for that comment. Actually, मैंने बोला था, I have heard, क्योंकि मैंने बचपन से ऐसे सुना हुआ है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कहावतें बनी है, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। Not that I am superstitious like that. मैं बिल्कुल नहीं मानती, और मैं actually animals को बहुत प्यार करती हूँ। अगर आपने मेरे vlogs में देखा है या नहीं भी देखा है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि I really really love animals. मैं चीटी भी नहीं मारती हूँ कि मैं सोचती हूँ वो भी किसी की बच्ची होगी या किसी की माँ होगी, शायद खाना ले जा रही होगी। आई डोंट डू ऑल दैट। मेरे को एक्चुअली लगता है कि एनिमल्स जो हैं वो इंसानों से तो बहुत बेटर हैं एक्चुअली। इंसानों के अंदर ये जेलसी है, ये है, वो है, मर्डर है, ये सब नहीं होता। एनिमल्स प्योर होते हैं बहुत ही, और अगर वो किसी को मारते भी हैं तो वो अपनी खुन्नस के उससे नहीं मारते, वो उन लोगों की, उनको शिकार करना है, खाना चाहिए भाई, इसलिए तो बहुत बेटर है एनिमल्स इंसानों से, इतने हरामी नहीं होते हैं वो लोग। तो इसीलिए आई एम सॉरी फॉर दैट कॉमेंट। कैट्स आर नॉट नेगेटिव, डॉग्स आर नॉट नेगेटिव, आई नो दैट एनिमल्स आर द स्वीटेस्ट क्रीचर्स एवर, मच बेटर देन ह्यूमंस। अब 5 मिनट का टाइम है, ठीक है, अब मैं ज्यादा बकबक नहीं करूंगी, तो मैं आपको दिखाती भी जाऊंगी फटाफट मैं क्या लगा रही हूँ, और बस टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ। सबसे पहले हम लगाएंगे मैक की स्ट्रोब क्रीम, ठीक है, क्योंकि जिन जिन की स्किन ड्राई होती है, फॉर एग्जाम्पल माइन, उनको मॉइस्चराइज करना चाहिए। मॉइस्चराइजर मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, स्ट्रोब क्रीम मैं जरूर लगाती हूँ, थोड़ी सी ज्यादा ही लगा लेती हूँ एक्चुअली, ताकि मेरी स्किन ग्लो मारे, ठीक है, लगा लो, ये थोड़ी ज्यादा डल गई है, नेक पे भी लगा लेंगे, नो इश्यूज एट ऑल। स्ट्रोब क्रीम मैंने आपको पिछली बार भी इसके बारे में बताया था, इसके अंदर ना टिंट होता है, मतलब बेसिकली, तो उससे क्या होता है ना, प्यारे लगते हो आप। एक मिनट, मल लिया, फटाफट मल लिया, इसमें हमारे 1 मिनट तो इसी में चला जाएगा भाई, मुझे 5 मिनट बहुत कम लग रहे हैं। अब मैंने ज्यादा ही कमिट कर दिया आपको, या कम ही कमिट कर दिया एक्चुअली। मल्ली 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 मैंने सारी, देखो क्या ग्लो आया है प्यारी लग रही हूँ मैं ऑलरेडी। मेरे ना डार्क सर्कल बहुत हैं, तो कंसंट्रेशन सारा के सारा, जो आपकी फेस पे कमी है, जो आपको चीज नहीं पसंद है ना, आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए जब आपको 5 मिनट मेकअप करना है, बाकी सब चीजों को गोली मारिए आप, ठीक है। फाउंडेशन लेंगे, ये मेरा शेड है बॉबी ब्राउन,
जो आपकी फाउंडेशन है, पहली बात तो अपनी स्किन से मैचिंग करिए आप, जो आपको लड़की सबसे सुंदर लगती है, गोरी लगती है, उसके कलर की मत ले लेना, अपने कलर की लेनी होती है, जैसे कि मैंने ली है, पता नहीं चले कि आपने कुछ ज्यादा मेकअप किया है, वरना वो अजीब सा वाइट वाइट है, फिर आपको ये टेंशन हो जाएगी कि मेरे नेक का कलर मैच नहीं हो रहा तो उस पर मलोगे, फिर आप कहोगे मेरे हैंड्स का कलर मैच नहीं हो रहा, मेरी बैक नहीं मैच हो रही, वही लगाते रह जाओगे आप फाउंडेशन एक घंटा, तो अपने कलर की लोगे तो सुखी रहोगे पता है लाइफ में। सो आप देख पा रहे हैं कि फाउंडेशन हो गई है, मैंने कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया वीडियो, ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल मोशन में चल रही हैं, बस मेरी बोलने की स्पीड बहुत फास्ट है इन जनरल। ओके फाउंडेशन लग गई है, अब आप कहोगे आइस डार्क सर्कल तो दिख रहे हैं, क्योंकि कंसीलर लगा नहीं अभी तक, कंसीलर पता है कैसे लगता है, ये देखो ये रहा खत्म होने वाला, ऑरेंज वाला लगाएंगे पहले थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मल मेकअप है, बहुत नहीं लगाना कुछ भी, हल्का सा लगाना है। ऑरेंज कलर के बारे में मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था, मेकअप व्लॉग था, कि वो क्यों लगाना होता है, डार्कनेस को पहले कवर करते हैं ऑरेंज से, फटाफट सुन लो, और फिर उसके ऊपर लगाते हैं अपने मैचिंग शेड का कंसीलर, और ब्लैक कलर को ऑरेंज कलर काटता है, तो येलो टोन वार्म टोन्स लेंगे, क्योंकि डार्क सर्कल्स के जो शेड है वो हमेशा पर्पल ब्लू ब्लैक इन टोन्स में आते हैं, तो उसको हम कवर करेंगे वार्म टोन्स से, जो होते हैं ब्राइट येलो या तो फिर ज्यादा है तो ऑरेंज या पीच कलर्स। लगा लिया ना, आपको दिख पा रहा है ऑरेंज हो गया सारा, हाँ यही करना था, मेरा ज्यादा लग गया, मैंने जल्दी जल्दी बहुत कर रही हूँ मैं, वैसे अभी 2 ही मिनट हुए हैं, तो नई स्पीड देख रहे हैं आप, हाँ ओ इसी के अंदर आप दूसरा शेड ले लो अपना, वही मल लो ठीक है इसके ऊपर, बहुत कॉम्प रहे मेरे तो, बहुत जल्दी, जैसे कि मेरे को ऐसा ज्यूम करना है कि गौतम यहाँ खड़ा हुआ है और वेट कर रहा है, या गाड़ी में नीचे वेट कर रहा है, और कॉल पे कॉल आ रही है, नोटिफिकेशन आ रही है बीच में वेली मेरे फोन पे, रुको रुक जाओ अभी तुम सब लोग, करती हूँ तुम सबसे बातें करूंगी मैं, वेरी गुड वेरी गुड, 5 मिनट हुए तो नहीं होंगे अभी, मेरे को नहीं लग रहा, मैं देखूंगी अभी जब फोन बंद होगा ना तो मैं टाइम देखूंगी कि मैंने कितना टाइम लिया, और अगर मैंने लिया होगा ज्यादा टाइम तो मैं वो वाला पार्ट कट कर दूंगी जिसपे मैंने कहा था कि मैं 5 मिनट में मेकअप कर लेती हूँ, मैं बस ये बोल दूंगी कि जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी चीटिंग कर लेनी चाहिए कभी कभी, हाँ वरना बहुत ट्रोलिंग हो जाती है, वैसे आप लोगों को ना मेरी ट्रोलिंग करके कुछ मिलेगा नहीं, मैं आपको एक बात सच बता दूँ, तो मेरे ना कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट्स करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आप ट्रोलिंग करोगे भी तो आपका न्यूज आर्टिकल में नहीं आएगा, स्मृति खन्ना वॉज ट्रोल्ड बिकॉज नो बडी इज इंटरेस्टेड इन स्मृति खन्ना एनी मोर। एनी वे देखो कंसील हो गया ना, अब थोड़ा सा गड़बड़ हुई है एक्चुअली, कंसीलर का कलर मैच नहीं कर पाया जल्दी जल्दी के चक्कर में, अपने कलर के ऊपर फाउंडेशन लगा दे, ओ हो गया मैच, बाकी जो हमारी खामियां है वो हम लोग पाउडर मलेंगे तब ठीक हो जाएगी, ठीक है। बेस ऑलमोस्ट डन है, आर यू ऑन टाइम गाइज, यू टेल मी, पाउडर लेंगे मैक का, हमेशा लगाती हूँ मैं एक, उसको ना मैं यहाँ पे क्योंकि हमने ज्यादा लगा दिया है ना, कंसीलर और फाउंडेशन दो चीजें हैं, इसलिए सेट करना बहुत जरूरी होता है पाउडर से, मेकअप सेटिंग पाउडर होता है ये, ठीक है। आप लोग लूज पाउडर भी ले सकते हैं, वो और भी लाइट होता है, लेकिन क्योंकि हम अगर ब्लेंडर से लगाते हैं इससे तो बहुत सारा लगता है, इसलिए मैं ब्रश से लगा लेती हूँ ताकि कम कम लगे, और हाँ मेरी क्योंकि बाकी की पूरी स्किन बड़ी ड्राई टाइप, मतलब नॉर्मल टू ड्राई जिसकी स्किन है उसको पूरे फेस पे पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का हल्का ऐसे ऐसे कर दो ऊपर ऊपर से, बाकी नहीं भी लगाओगे तो आप ठीक चल जाएगा, मॉनसून वगैरह में लगा लिया करो, लेकिन विंटर्स में तो बिल्कुल ही मत लगाओ। नेक्स्ट कहाँ गया मेरे सामान, हाँ ये ब्लश ऑन लगाएंगे, बिल्कुल लाइट कलर का लगाएंगे, तो हो मेरे ये चमक गई दिख रही है आपको, क्या कहते हैं रिंग लाइट, तो ये लगाओ, मैं बिल्कुल लाइट पिंक लगा रही हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादा कोई शादी का ओकेजन नहीं है ना, तो हल्का हल्का लगाएंगे, दिख रहा है प्यारा लग रहा है कलर, ये डे वेयर एंड ऑल में बड़ा अच्छा लगता है, क्या है शेड का नाम वो भी बता दूंगी, ब्लश बेबी तो ये लगा लिया, अब सेकंड लास्ट स्टेप चल रहा है, आईब्रोज बड़े इंपॉर्टेंट है मेरे लिए लाइफ में आईब्रोज ना, और मुझे भगवान ने ठीक से भी दे दिए तो मैं इनको 2 मिनट में ठीक कर लेती हूँ, बस डार्क करने हैं, और अगर शेप या बीच में से आपकी पार्लर वाली ने उड़ा दिए हैं तो उसको भर लो,
ऐसी ट्रेजेडी हर लड़की के साथ हुई होगी लाइफ में, जब वो अपनी शेप ठीक कराने लगती है और उसकी बिगड़ जाती है शेप। ठीक है, लड़के लोग बोर हो रहे हैं तो बंद कर दो बिल्कुल, हम वैसे भी बुरा नहीं मानते। हमारे साथ तुमने बहुत बुरा किया है लाइफ में यार, व्यूज़ ही नहीं आते हमारे व्लॉग में। एनीवे, आईब्रोज भी हो गए। अब आपको मैं एक और टेक्निक बताऊंगी, लाइनर पे टाइम ना वेस्ट करें। क्या करना है, इसी का ये लेना है, ठीक है। मेरी बहुत अच्छी किट है, सुंदर, दिखाना भूल गई, वेरी एक्सपेंसिव बट दिख रहा है, लाइनर टाइप लुक आ गई है और ज्यादा ही वो भी नहीं हुआ। ओ यहाँ पे लेके लगा लेती हूँ, दिख पा रहा है आपको, और ये जल्दी भी लग जाता है और इसमें गड़बड़ होने का थोड़ा चांस भी कम होता है, या तो मैं एक्सपर्ट बड़ी हूँ, जो भी रीजन है, पर सही है, दिख पा रहा है आपको। इसी से लगा लो, आईब्रो किट में से मैंने लाइनर बना दिया। राइट, ये भी हो गया। मस्कारा लगाएंगे, मेरा फेवरेट होता है वो काम, मेरे से जल्दी नहीं हो पाता क्योंकि मेरा फेवरेट है तो मैं बहुत पोतती हूँ। मुझे बड़ी बड़ी लैशेस बहुत पसंद है, आप सबकी तरह। और इसमें एक टेक्निक क्या होती है, मस्कारा लगाओ, छोड़ दो उसको 10-15 सेकंड के लिए, हल्का सा सूख जाए तो और लगा लेना, ठीक है, ताकि डबल लेयर लग जाए। और क्या करना होता है, लिपस्टिक लगाएंगे हम, बिल्कुल एक सटल शेड चूज करिए और रोज वही लगाइए। अब आप सब लोग बोलेंगे कौन सा शेड है, कौन सा, हमें भी बताओ। बता देती हूँ, वेलवेट टेडी है मैक का, बड़ा प्यारा है एवरीडे यूज के लिए। कैसा लगा, थोड़ा सा मस्कारा रह गया और यू वॉन्ट बिलीव बट मेकअप हो चुका है, यही लगता है, इतना ही टाइम लगता है, ठीक है। जो इससे ज्यादा लगा रहा है ना टाइम, वो इससे फिर बहुत ज्यादा मेकअप कर रहा है, फिर देख लो आप लोग। एंड वी आर डन। कैसा लगा आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल, बताइएगा जरूर। और मुझे ये भी बात पता है कि आप लोग को मेरी बातें बहुत पसंद आती हैं, लेकिन कई लोग ना बहुत नेगेटिव बातें लिखते हैं मुझे। रोना तो नहीं आता मुझे, मैं इतनी इमोशनल नहीं हूँ, पर गुस्सा बहुत आता है। चलो गाइज, मेकअप हो गया है, बड़ा एक क्विक सेगमेंट था, पहली बार मैंने कोई ब्लॉग 10 मिनट में कंप्लीट किया है। व्यूज़ दे देना प्लीज़, शेयर भी कर देना। और हाँ, बाल, ठीक है, बाल खोलने लायक नहीं है, आप एकदम अनकैम्प्ड लुक भी रख सकते हैं, जूड़ा बना लो, पीछे पोनी बना लो, कोई बात नहीं होती, फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं तो वो बुरा नहीं मानेंगे। चलो गाइज, आई हैव टू लीव, ओके, आई एम रेडी, बाय बाय। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना। और हाँ, एक जो चीज मैं बोलना ही भूल जाती हूँ, इसलिए तुम करते भी नहीं हो, बेल आइकन दबाना होता है, तब जाके तुम्हें पता चलेगा मेरा कब आया ब्लॉग। बाय।